व्यापारी महासंघ 4 जुलाई को मनाएगा अपना तीसरा स्थापना दिवस। भगवान के भव्य स्वागत की तैयारी चहचूच चौराहे पर। विंध व्यापारी संघ अपना तीसरा स्थापना दिवस 4 जुलाई को मनाएगा। इस दौरान शहर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्वागत हर वर्ष की तरह उत्साह उमंग के साथ करेगा। हम आपको बता दें, विंध व्यापारी संघ व्यापारियों की छोटी मोटी समस्याओं के निराकरण के लिए बनाया गया, साथ ही वह समय समय पर शहर की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी अपना योगदान देता रहता है। स्वामी, ये हम लोग व्यापारी महासंघ, विंध व्यापारी महासंघ गठन हुआ था भगवान जगन्नाथ यात्रा जिस दिन होती है उस दिन व्यापारी महासंघ का गठन हुआ था। तो उस दिन हम लोग स्थापना दिवस ही मनाते हैं और भगवान जगन्नाथ की आरती वगैरह और हर्षोल्लास से उनका उत्सव भी मनाते हैं। इसलिए आज मैंने व्यापारियों की एक बैठक बुलाई है जो 4 जुलाई को रथ यात्रा किले से निकलेगी, घोड़ा चौराहे पर पहुँचेगी। वहाँ पर हम लोग जगन्नाथ भगवान का स्वागत करेंगे, आरती आतिशबाजी प्रसाद वितरण होगा और हम लोग स्थापना दिवस भी वहाँ मनाएंगे। उसके बाद स्थानीय कलाकार वहाँ पर आएंगे जो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और इसमें कुछ हमारे विशेष अतिथि भी आते हैं जिनको वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए एक आरती वगैरह दी जाती है थाली और वो विशेष पूजा हुआ हम लोग करते हैं वहाँ पे। और स्थापना के रूप में ये होता है कि अब उस दिन इतना अच्छा दिन है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा दिन है कि व्यापारी सब इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे स्थापना मतलब आतिशबाजी करके उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्थापना दिवस भी मना और पूजा पाठ भी हो गया व्यापारियों का। ऐसा लगता है कि वहाँ दीपावली का माहौल है, घोड़ा चौराहे पे बड़ी पब्लिक इकट्ठा होती है, कड़ी भात भी हम लोग बांटते हैं, तो भगवान का रूप अच्छे रूप से मनाया जाता है। ये संगठन का कौन सा स्थापना वर्ष है? ये तीसरा स्थापना दिवस है। अगले 3 साल पहले हम लोगों ने संगठन को नया रूप दिया था, उसके पहले भी हमें व्यापारी संघ में काम कर चुका हूँ, पहले युवा व्यापारी संघ हम लोग काम किए हैं, फिर हम लोगों ने विंध व्यापारी महासंघ की संगठन तैयार किया, उसके बाद हम लोग ये कार्यक्रम लगातार चालू है। और ये भगवान जगन्नाथ कई वर्षों से हम लोग ये घोड़ा चौराहे पे कार्यक्रम करते हैं।